So hello guys and welcome to the technical classes. So in this lecture we will discuss about how to create a revolver body. Let's suppose मुझे कोई भी एक एक्सिस के अराउंड किसी चीज का रिवोल्यूशन करके किसी सॉलिड बॉडी या सॉलिड एंटिटी को क्रिएट करना है 3D के अंदर, तो किस तरीके से किया जाएगा? तो एक छोटे से एग्जाम्पल से हम स्टार्ट करते हैं। एक आपने पोर्ट या फिर आप है ना गमला बोल दीजिए, तो हम एक फ्लावर प्लॉट पोर्ट को बनाने की यहाँ पर कोशिश करेंगे विद द हेल्प ऑफ दी रिवॉल्वर्स। तो सबसे पहले तो आप है ना कोई भी एक प्लेन को सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर लेट सपोज मैंने यहाँ पर फ्रंट प्लेन को सेलेक्ट किया है। देन नेक्स्ट हम क्या करेंगे, रेफरेंस के लिए एक सेंटर लाइन को सेलेक्ट करेंगे। तो ये रही हमारी सेंटर लाइन। तो इस सेंटर लाइन के अराउंड में क्या करूंगा, फ्लावर पॉट को डिजाइन करूंगा। सो नाउ सेलेक्ट दिस लाइन। इस लाइन से पहले एक छोटा सा बाउंड्री को क्रिएट कर देता हूं मैं। नाउ सेलेक्ट दिस लाइन। अब है ना बॉडी को क्रिएट करना है कि किस तरीके से हमारा फ्लावर पॉट दिखना चाहिए। ओके, तो रैंडम शेप है, आप भी है ना बनाने की कोशिश करिएगा इसको। Just trying to draw my best. Then again select the line here and join to the center line. अब मुझे इस एंटिटी को क्या करना है कि चारों तरफ इस एंगल 360 का रोटेशन करा के एक सॉलिड एंटिटी के अंदर कन्वर्ट करना है। तो यहां पर फीचर मैनेजर के अंदर जाइएगा और सेलेक्ट क्या करना है, रिवॉल्व बॉस या बेस। ओके, तो जैसे ही मैंने ऑप्शन को सेलेक्ट किया था, आप देख सकते हैं कि मेरा एक्सिस और रिवॉल्यूशन इस एक्सिस के अराउंड ये जो बॉडी थी उसका क्या हो चुका है, रिवॉल्यूशन हो चुका है। तो कुछ बॉडी इस तरीके की नजर आएगी आपको। और फ्लावर पॉट बनाने की कोशिश की, एग्जैक्ट तो नहीं बन पाया लेकिन कुछ हाँ दिख रहा है। अब इसके अलावा भी इसको आप कहना है, यहाँ पर जब एडिट में जाएंगे तो बहुत सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे। अब क्या क्या चीज़ आप यहाँ पर कर सकते हैं, इसके डायरेक्शन को रिवर्स कर सकते हैं। लेट सपोज मुझे ये जो एक्सिस ऑफ रिवोल्यूशन था मुझे 360 नाउ के कितने पर रिक्वायर्ड है, लेट सपोज मुझे किसी चीज़ का क्रॉस सेक्शन दिखाना, तो मैं क्या करूँगा 270 का राउंड कर दिया मैंने। तो जैसे ही मैंने इसको रिवॉल्यूशन को 270 डिग्री किया, तो आप देख सकते हैं कि मेरा एक पार्ट 90 डिग्री का क्या हो चुका है, कट चुका है। तो जब भी आपको किसी चीज़ का क्रॉस सेक्शन दिखाना है या किसी चीज़ को आपको रिक्वायर्ड है कि मुझे किसी पार्ट को छोड़ के दूसरी चीज़ को रिवॉल्व करना है, तो अभी यहाँ पर पॉसिबल होगा। और कौन कौन सी चीज़ें उनको भी देख लेते हैं। यहाँ पर वापस एडिट में जाइएगा, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखेगा कि हमको बोथ द डायरेक्शन, मुझे एक्स मतलब कि है ना क्लॉकवाइज में भी और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन दोनों से मुझे क्या करना है, रिवॉल्व करना है। और दोनों का अलग अलग आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एंगल दे सकते हैं। लेट सपोज कि मुझे यहाँ पर 10 डिग्री का एंगल हो गया, वहाँ पर 270 डिग्री हो गया, तो आप अलग अलग एंगल का भी यूज कर सकते हैं। तो जैसे ही यहाँ पर डायरेक्शन 2 ऑन कर रहा हूँ, तो आप देखेंगे कि ये 10 डिग्री आगे आ चुका है, बिकॉज यहाँ पर 10 डिग्री सेलेक्टेड है। जैसे ही 12 डिग्री कर रहा हूँ, तो आप देखेंगे उसके अंदर चेंज हो रहा है। तो आप दोनों डायरेक्शन को अलग अलग भी क्या कर सकते हैं, कंट्रोल किया जा सकता है। तो बस यही चीज थी, आपको सबसे पहले एक चीज ध्यान में रखनी होगी, जब भी रिवोल्यूशन की बात होगी तो हमको क्या करना होगा, एक्सिस ऑफ रिवोल्यूशन को सेलेक्ट करना होगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी 3D एंटिटी को बना सकते हैं। एक और एग्जांपल मैं यहाँ पर ले लेता हूँ। एक आपको बॉटल क्रिएट करके हम देख लेते हैं सिंपली। अभी उसका ये सारी चीजें देखेंगे, एक्सट्रूडेड कट और ये सारे फीचर हम नेक्स्ट के अंदर देखेंगे। अभी हमारा मोटो क्या होगा, सॉलिड एंटिटी को क्रिएट करना। तो फ्रंट प्लेन को अगेन मैं सेलेक्ट कर देता हूँ यहाँ पर। नॉर्मल कर लीजिए यहाँ पर, देन गो टू द स्केच एंड सेलेक्ट द सेंटर लाइन। यहां पर मैंने एक सेंटर लाइन ली है,
अब इस सेंट्रल लाइन के अराउंड मुझे क्या करना है, एक सिंपल सी बॉटल को क्रिएट करना है। ओके, तो बॉटल की एंटिटी को यहाँ पर देख लेते हैं किस तरीके से हम बॉटल की एंटिटी को क्रिएट किया जा सकता है। सो एक अगेन कहाँ पर जाएंगे हम, बिकॉज जब भी आप इन दोनों ऑप्शन को यूज में लेंगे हमारा अगर रेवोल्यूशन के लिए, तो बॉडी क्या होनी चाहिए, क्लोज होनी चाहिए। तो मुझे एक छोटी सी लाइन क्रिएट करनी होगी। इस लाइन को क्रिएट करने के बाद अगेन मैं क्या कर रहा हूँ, इस लाइन को सेलेक्ट कर रहा हूँ और बॉटल की थोड़ी सी यहाँ पर मैं नेक बनाने की कोशिश करूंगा। सेलेक्ट द लाइन एंड जॉइन हियर, देन सेलेक्ट फिलेट, देन सेलेक्ट दिस लाइन, और फिलेट की रेडियस को यहां पे 5 mm कर लीजिए, दस तरह सेंटर। अब ये जो एंटिटी आपको नजर आ रही है यहां पर, इसको मुझे क्या करना है, रिवोल्यूशन के अंदर कन्वर्ट करना है। तो अगेन कहां पे जाएंगे, रिवॉल्व बॉस और बेस के अंदर, और यहां पर सेलेक्ट करिएगा। तो अभी भी है ना स्केच करेंटली ओपन है, तो नॉन थिन रिवोल्यूशन फीचर रिक्वायर अ क्लोज द स्केच, वुड यू लाइक टू स्केच टू बी ऑटोमेटिकली क्लोज्ड। तो मैं इसको ऑटोमेटिकली ना क्या कर देता हूँ, क्लोज करके इसको एंटिटी बनाने के लिए बोल दिया। तो आप देखेंगे कि कुछ इस तरह की एंटिटी हमारी क्या हो चुकी है, यहाँ पर क्रिएट हो चुकी है। दिखा देता हूँ कि आपको किस तरीके से हमारी बॉटल नजर आ रही है। तो देख सकते हैं हमारी जो बॉटल है लुकिंग में भी बहुत अच्छी नजर आ रही है यहाँ पर। तो इसके अंदर भी हमने जो प्रीवियसली है ना, जो भी है ना देखे थे अभी, उन सारी चीजों को आप क्या कर सकते हैं, यूज में ले सकते हैं। थोड़ा सा सेंटर कर देता हूँ दोनों को, ऑब्जेक्ट को। तो देख सकते हैं कि हम रिवोल्यूशन के बेसिस पर किस तरीके से ऑब्जेक्ट को थ्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो गाइज, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर बनता है इसके लिए, और अगर इसके रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन के अंदर बता दीजिएगा। अदरवाइज मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।